और सबसे पहले मसला राजनीतिक भविष्यवाणी का है, तो एके मिश्रा जी आपकी तमाम राजनीतिक भविष्यवाणियां हमने सही दिशा में जाती हुई देखी हैं, और पिछले कई महीनों में ऐसा हुआ है, कई सालों में हमने देखा है, कई सैकड़ों डिबेट में आपने राजनीतिक भविष्यवाणियां की और वो सटीक साबित हुई। तो जरा ये महाराष्ट्र वाले जो सियासी ड्रामा चल रहा है, इसकी भविष्यवाणी कुछ करेंगे आप? क्या लगता है आपको राजनीतिक पंडित होने के नाते? देखिए है क्या कि जो आपने बोला कि महाराष्ट्र का भविष्य क्या होगा या शिवसेना का भविष्य क्या होगा, दो तथ्यों पे, दो सिद्धांतों पे इसकी भविष्यवाणी करनी चाहिए और मैं कर रहा हूं और आप इसको नोट कर लीजिएगा ऑन द रिकॉर्ड। पहली भविष्यवाणी ये है कि शिवसेना जिन सिद्धांतों और जिस धमक के लिए जानी जाती थी, कभी भी समझौता न करने वाली एक पार्टी रही है। राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए इन्होंने कभी समझौता नहीं किया। ये जो उसकी इमेज बनी हुई थी वो अब यहाँ पे लगभग लगभग खत्म होने के लिए ये आ गई है। अब ये भी एक ऑर्डिनरी पॉलिटिकल पार्टी की तरह हो जाएगी जो कि बेनिफिट और लॉस को ज्यादा कंसीडर करती है रेदर देन सिद्धांत को। दूसरी भविष्यवाणी आप ये देखिए कि यहाँ पे जो शिवसेना के इस वक्त के चीफ हैं, उनके भी अस्तित्व का यहाँ पे खतरा दिख रहा है। उनकी लीडरशिप स्टाइल के ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठेगा और ये पुनः अगर सरकार में वापस नहीं आ पाए, अब की बार इस खतरे को मैनेज नहीं कर पाए, तो ये भविष्य के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। शायद वो फिर कभी एज ए लीडर की तरह जो है वो चुनावों में या मराठा मानुष के जो है मस्तिष्क में वो अपनी पैठ नहीं बना पाएंगे। एक भविष्यवाणी और है जो करंट टर्मोइल चल रहा है, मुझे यहाँ पे ये लगता है कि जो एमवीए की सरकार है, बात यहाँ केवल शिवसेना की नहीं है, एमवीए की सरकार जो है उसको बचाना, रिट्राइव करना बहुत मुश्किल होगा और अगर बच गई तो इसको चमत्कार मानेंगे। एक भविष्यवाणी और है, जब ये सरकार बनी थी ना तो उस वक्त चाणक्य बोला गया था शरद पवार जी पे, ठीक है उनका कद बहुत ऊंचा है, बहुत अनुभवी आदमी है, सबसे बड़ा स्टेक अगर देखा जाए, चूंकि उन्होंने खुल के घोषणा भी की है कि हम सरकार बचाएंगे, हमारा समर्थन अंतिम समय तक है, तो कुल मिला के उनके पूरे पॉलिटिकल कैरियर में जो उनका एक्सपीरियंस रहा है वो सारा का सारा दांव पे लगा है और अगर पुनः ये लोग सरकार नहीं बना पाए एमबीए की तो वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे उनकी भी साख दांव पे लगी है। अब रही कांग्रेस की, ऑपरेशन लोटस भारी पड़ेगा नहीं, ये कौन सा ऑपरेशन है? देखिए ऑपरेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, जितने कंपोनेंट है वो हम उनकी बात कर रहे हैं। और कांग्रेस के लिए ये होगा कि भाई कांग्रेस का साथ लेना या ना लेना बराबर है, ये ना बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं ना सामने आ रहे हैं, तो कांग्रेस तो वैसे भी नेपथ्य में है, जो बची खुची है वो महाराष्ट्र से भी गायब हो जाएगी, विश्वास पॉलिटिकल पार्टियों का कांग्रेस के ऊपर से खत्म हो जाएगा।